तेरी ये अदा मैं आज तक समझा नहीं, वक्त तेरी ये अदा मैं आज तक समझा नहीं, मेरी दुनिया क्यों बदल ली, मुझको क्यों बदला नहीं। वक्त तेरी ये अदा मैं आज तक समझा नहीं, मेरी दुनिया क्यों बदल ली, मुझको क्यों बदला नहीं। इस नतीजे में नतीजे पर पहुंचने में बड़ी मुद्दत लगी, इस नतीजे पर पहुंचने में बड़ी मुद्दत लगी, तुझसे अच्छे तो बहुत हैं पर कोई दूसरा नहीं। इस नतीजे पर पहुंचने में बड़ी मुद्दत लगी, तुझसे अच्छे तो बहुत हैं पर कोई दूसरा नहीं। दूर जाती एक परछाई हवा में हिलता हाथ, दूर जाती एक परछाई हवा में हिलता हाथ, मैं जुदाई का वो मंजर आज तक भूला नहीं। दूर जाती एक परछाई हवा में हिलता हाथ, मैं जुदाई का वो मंजर आज तक भूला नहीं। फिर मुझे क्यों लग रहा है ये कि मंजिल दूर है, फिर मुझे क्यों लग रहा है ये कि मंजिल दूर है। इस सफ़र में सच यही है मैं कहीं ठहरा नहीं, फिर मुझे क्यों लग रहा है ये कि मंजिल दूर है। इस सफ़र में सच यही है मैं कहीं ठहरा नहीं, एक नए अंदाज से होगी बसर अब जिंदगी, एक नए अंदाज से होगी बसर अब जिंदगी, मेरे हिस्से की जमीन पर आसमां साया नहीं। वक्त तेरी ये अदा मैं आज तक समझा नहीं, मेरी दुनिया क्यों बदल दी, मुझको क्यों बदला। शहरयार उर्दू शायरी का एक बहुत ही मोतबर और नुमाइंदा नाम है, उनकी दुनिया भर में पजीराई हुई, शामे शहरयार भी मनाई गई, सिपास नामे भी पेश किए गए। उनकी पैदाइश जिला बरेली में 16 जून 1936 को हुई। उनके वालिद पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनकी मुलाजमत कस्बा बीनीगंज में थी। शहरयार की इब्तदाई तालीम यहीं हुई। जब उनके वालिद का तबादला हरदोई हो गया तो शहरयार भी यहाँ आ गए। शहरयार साहब, क्या आपके घर में परिवार में कुछ ऐसा माहौल था शायरी का, या कुछ और लोग भी थे जो शायरी करते थे, या आप पहले शख्स हैं जिन्होंने? मैं पहला शख्स हूँ साहब जिसने शेर कहे, यानी मुझे अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में कहीं से कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे ये नतीजा निकाला जा सके कि मैं किसी स्टेज पर शायर बनूँगा। क्योंकि शुरू में मेरी चीज़ें जो थीं कुंवर अखलाक मोहम्मद खां के नाम से छपी, मेरे बाद दोस्तों ने एतराज़ किया कि यह नाम बहुत ही गैर शायराना है। तो उसका हल हमने ये निकाला कि मैंने एक आध गज़ल में कुंवर का हल किया था, तो खलीरमान आज़मी मरहूम ने कहा कि कुंवर का इक्विलेंट जो है वो शहरयार है, कुंवर के माने भी प्रिंस है और शहरयार के माने भी प्रिंस है, तो तुम शहरयार अपना नाम रख लो। तो मैं शहरयार मैंने लिखना शुरू कर दिया और ये 56-57 से समझ लीजिए शहरयार मैं लिख रहा हूँ, और 58 से बहुत सीरियसली मैंने शायरी की। जितने बड़े मैगजीन्स थे उन सब में मेरा नाम शहरयार के नाम से कलाम छपता रहा। अब शहरयार ही मुझे असली नाम मालूम होता है, और वो जो नाम असली नाम है वो मुझे कभी कभी अजनबी मालूम होता है। ये बात अक्टूबर 1980 की है, मैं उन दिनों टेलीविज़न में काम करता था और मुझे एक ऑल इंडिया मुशायरा रिकॉर्ड करना था जिसके लिए हमने पूरे देश भर से शायरों को बुलावा भेजा। उन दिनों शहरयार गमन फिल्म के गाने लिख चुके थे और फिल्मों के लिए भी गाने लिख रहे थे, तो उनका अलीगढ़ और बम्बई आना जाना रहता था। शहरयार को भेजी हुई चिट्ठी वापस आ गई, लेकिन मुशायरे पर जब वो तशरीफ़ लाए और मुशायरे की रिकॉर्डिंग के बाद जब हम लोग चेक बांट रहे थे, तो मैंने जब शहरयार के आगे चेक रखा तो उन्होंने कहा कि ये चेक मैं नहीं ले सकता क्योंकि आपने इसमें मेरा किराया बम्बई से दिखाया और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। ये बात एक बहुत ही मन को छू गई कि एक
शायर अगर उस पर दस्तखत कर देता, लेकिन शायर साहब की इस ऑनेस्टी ने मुझे इतना मुतासिर किया और मुझे उस वक्त मालूम भी नहीं था कि ये लंबी दोस्ती इतने सालों चलेगी, क्योंकि मेरा शायरी से कुछ ज़्यादा इतना लेना देना नहीं था। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने मुझ पर भी एक नज़्म लिखी। लेकिन मैंने पाया कि शहरयार में कहीं भी गरूर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और सबसे ज़्यादा उनके लिए जो अहमियत थी वो एक इंसान होने की और इंसानियत की वो बहुत कद्र करते थे। शहरयार साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त थे, हम लोग साथ साथ अक्सर मिला करते थे। हमारे दोस्त मास्टर लेक्चरर थे वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, यहाँ अक्सर 15 दिन 16 दिन दावत होती थी, उसमें शहर से शहरयार आते थे, मैं आता था और हमारे और दोस्त आते थे। चर्चा होती थी, साथ पर चर्चा होती थी, गज़ल पर चर्चा होती थी, कभी कभी गज़ल सुनाते भी थे, वो हम भी पढ़ते थे। गज़ल उन्होंने जो लिखी है, एक बार मैंने तनकीद भी की थी उसकी, तो वो गज़ल की किताबें जो थी उनकी बहुत अच्छी थी, गज़लें बहुत अच्छी थी। मुशायरे जो पढ़ी जाती गज़ल, उस तरह की गज़लें उसकी नहीं थी, उनकी गज़लें ज़रा दूसरे प्रकार की, बहुत सांकेतिक ज़बान में लिखी गज़लें थी। एक गज़ल का शेर मुझे बहुत याद है, शेर था, जिस रोज़ मेरे शहर में सैलाब आएगा उस दिन कागज़ कश्तियाँ बहुत काम आएंगी। जिस रोज़ मेरे शहर में सैलाब आएगा कागज़ की कश्तियाँ ये बहुत काम आएंगी। कागज़ कश्ती मतलब गज़ल, गज़ल जो लिखी है वो कागज़ कश्ती समान है। जब आदमी डूबने लगता है तो कश्ती पकड़ता है। तुम्हारे शहर में जब भी सैलाब आएगा है, मतलब जब भी हमारे झगड़े वगड़े कोई किसी प्रकार के होंगे, तो ये कागज़ कश्ती जो है, यानी प्रेम की भाषा बोलती है कागज़ कश्ती, जब बैठ कर पार हो जाते हैं लोग। समुद्र में जब तूफान आता है तो कश्ती बैठ कर पार होती है, जब कहीं झगड़े झंझट होते हैं तो गज़ल जो है प्रेम की ज़बान होती है, संकेत ज़बान होती है, उससे लोग पार हो जाते हैं। ये उनका संकेत था, बहुत अच्छा है गज़ल का शेर था। उमराव जान की जो गज़ल उन्होंने लिखी हैं वो बहुत लोकप्रिय हुई, और सब समुद्र की गज़लें उतनी लोकप्रिय हैं जितनी उनकी लिखी हुई उमराव जान की गज़लें लोकप्रिय हुई उनके द्वारा लोगों। शहरयार को किताबों से बहुत इश्क था, वो अपने मतलब की किताबें ढूंढ लाते थे। वो शायर भी थे और कई रिसालों की इदारत की जिम्मेदारी भी संभाली। मुगनी तबस्सुम के साथ जिंदगी के आखिरी लम्हे तक शेरो हिकमत से वाबस्ता रहे। उनके शेरी मजमूए उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में शाया हुए। उनके फिक्रो फन पर मुख्तलिफ स्कॉलरों ने किताबें भी तहरीर की। उनका अव्वलीन शेरी मजमूआ इसमें आजम था। बाद में हिजर के मौसम, नींद की गिरचें, सातवां दर, ख्वाब का दर बंद है, शाम होने वाली है, और हासिले सैरे जहां मंजरे आम पर आए। सिर्फ एक फिल्म के गाने लिखने से दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस मेरा कहा एक मान लीजिए, क्या आपको लगता है इस इन 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 गानों की कामयाबी का रीज़न क्या है? इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं इसमें। वो गाने एक तो मतलब ज़ुबान उसकी जो है वो उन लोगों की समझ में आती है जो फिल्म देखने जाते हैं। फिर वो मतलब गाने जो है भर्ती के नहीं हैं बल्कि फिल्म का ये मतलब इंटीग्रल पार्ट है, और कैरेक्टर की जो शख्सियत है उसको उभारने के लिए उन गानों ने बहुत अहम रोल अदा किया है। तो गाने जो हैं वो मतलब जैसे पहले ज़माने में हुआ करता था कि इंटीग्रल पार्ट होते थे कहानी का, ये भी इंटीग्रल पार्ट हैं, और वो बातें जो वैसे डायलॉग के ज़रिए से या एक्शन के ज़रिए से नहीं कह पाए हैं वो गानों के ज़रिए से कही गई हैं, और शख्सियत को उभारने का उसकी मतलब जो पेचीदगी है कॉम्प्लेक्सिटी है उन सब को पेश करने के लिए गाने इस्तेमाल किए गए हैं, और बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। और इसमें कोई शुबा नहीं कि मुजफ्फर ने उस फिल्म की में कोई चीज़ ज़ायद नहीं रखी, हर चीज़ जो है वो ज़रूरत के अतबार से रखी गई है, और एक आर्ट फॉर्म की खूबी यही होती है कि उसमें कोई चीज़ कम या ज़ायद ना हो। एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मैंने गायकी में अगर कोशिश ज़्यादा की वो उमरा जान में, एक सुर में सारे गाने एक ही सुर में रखे, हाँ, और दूसरी बात बोलों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देके, और सुर जो बनाए हुए थे खयाम साहब के जैसे बनाए हैं उसको बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने कहानी पढ़ी थी उमराव जान की, और जब उमराव जान की कहानी पढ़ी तो मेरे सामने उमराव जान पूरी खड़ी थी कि मैं ये हूँ, मैं ऐसे अच्छे घर की लड़की हूँ, मुझे इसी में आना पड़ा और मैं ऐसी बन गई हूँ, और ये क्या जगह है दोस्तों,
ये कौन सा दायर, मेरा पसंद का गाना वो है असल में, क्योंकि उसमें असल में औरत क्या है और वो क्या थी और क्या हुआ है, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। उमराव जान ने ये लोगों को बता दिया कि मैं गज़ल गा सकती हूँ। आज तक लोग समझते थे कि मैं सिर्फ और किस्म के गाने गा सकती हूँ। मुझे अभी तक याद है कि कमल अमरोही उनका फ़ोन आया रात के 12 बजे कि भैया ऐसे, उन्होंने कहा बेटिया हम समझते थे कि आप सिर्फ ताज़े तवाने गाने गाती हैं, लेकिन आपने गज़ल गा के तो आप अपने हमारा दिमाग ही बदल दिया। और दूसरे थे राज खोसला, उन्होंने भी ऐसे फ़ोन करके कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि आप ऐसा गा सकती हैं, आपको गलत गाने दिए गए, आपको सही गाने कभी मिले ही नहीं जो आज मिले आपको उमराव जान में। शहरयार की अपने अहद की कई मुमताज़ अदबी और शेरी शख्सियतों के साथ मुखलिसाना रस्म और राह भी रही। उन्होंने तरक्की पसंदी का दौर देखा तो जदीदियत की तहरीक से मुतासिर भी हुए, और माबादे जदीद अहद में भी उन्होंने शायरी के उम्दा नमूने पेश किए। शहरयार को ज्ञानपीठ जैसे बावकार अवार्ड से भी सरफराज किया गया। उनकी जिंदगी में बहुत से खुशगवार लम्हे आए तो नशेबो फराज का भी सामना हुआ। शहरयार की अपने अहद की कई मुमताज़ अदबी और शेरी शख्सियतों के साथ मुखलसाना रस्म और राह भी रही। उन्होंने तरक्की पसंदी का दौर देखा तो जदीदियत की तहरीक से मुतासिर भी हुए। दरअसल शायरी का जो मेरा सफ़र शुरू होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो लखनऊ से ही शुरू हुआ जहाँ मैं पैदा हुआ, लेकिन जो शायरी की एक ख़ास फ़िक्र जो है वो मुझ में पैदा हुई अलीगढ़ में, जब मैं अलीगढ़ पढ़ने गया, और वही दौर था शहरयार का, जज़्बी साहब का, हमसे बहुत सीनियर थे लेकिन फिर भी एक उन लोगों का एक बहुत बड़ा गहरा असर उन स्टूडेंट्स पे पड़ा जो सोचते थे, महसूस करते थे, एक अंदर अपने रोमांस रखते थे। तो शहरयार की मुलाकात मेरी वहाँ उनसे वहीं हुई, और काफ़ी जिसे कहना चाहिए क़ुर्बत हुई शहरयार से। और तमाम शायरों में मुझे लगा शहरयार एक शख्स था जिसकी एक मॉडर्न सोच थी, और उनकी उस वक्त एक जो किताब मजमूआ निकला था वो उसका नाम था इसमें आज़म। इत्तेफाक से भी मुझे मिल गया, ये पुरानी जिल्द है उसी वक्त जो उन्होंने दी थी, उनके हाथ की भी इसमें कुछ तहरीर है। तो इसमें आज़म से मैं बहुत मुतासिर हुआ, और एक तरीके से ये मेरे लिए एक हर वक्त एक साथ रहने वाली चीज़ हो गई। और ख़ासतौर से इनकी जो गज़लें थीं उनका एक बहुत अपनी जगह पे गहरा असर पड़ा मुझ पे, जैसे सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, ताहद नज़र एक बयाबान सा क्यों है, हमने तो कोई बात निकाली नहीं गम की, वजूद पशेमान पशेमान सा क्यों है, क्या कोई नई बात नज़र आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। अब इस गज़ल का मुझ पर इतना असर पड़ा कि मैंने जब मैं बम्बई गया तो वहाँ मुझे लगा कि शायद हर शख्स के ऊपर ये गज़ल सही साबित होती थी, और जब मैंने पहली फिल्म अपनी गमन बनाई तो उसमें इस गज़ल को मैंने इस्तेमाल किया। तो शहरयार थे खलील रहमान आज़मी, जो उन शहरयार के बहुत ख़ास दोस्त थे, इन तमाम लोगों की शायरी में मुझे एक सोच और फिक्र मिली, और मुझे लगता है ये फिक्र और सोच जो थी वो अब ज़ाहिर है 66 की बात होगी, तो ये आज़ादी के 20 साल के बाद
का दौर है, तो उस वक्त तक एक नया समाज पैदा हो रहा था, एक नया मुस्तकबिल लोगों के सामने आ रहा था। तो इसमें इन शायरों का एक अपना एक फिक्र थी। गाने जो है भर्ती के नहीं है, बल्कि फिल्म का ये मतलब इंटीग्रल पार्ट है, और कैरेक्टर की जो शख्सियत है उसको उभारने के लिए उन गानों ने बहुत अहम रोल अदा किया है। ये गाने जो हैं वो कहानी को आगे बढ़ाने को, शख्सियों कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाने को मतलब उस अहमियत देते हैं और उसमें कामयाब है बड़ी। अखलाक मोहम्मद खान शहरयार को एक बहुत मशहूर जदीद शायर की हैसियत हासिल रही, और हिंदुस्तान में जितने भी अवार्ड्स, एजाजात और अहमियत किसी भी शायर को हासिल हो सकती है, शहरयार को वो हासिल हुई। उसका एक सबब ये भी था कि वो एक नुमाइंदा तरीन शायरों में से थे, दूसरा सबब यह था कि उनको खुशकिस्मती से फिल्म में उनकी बाज़ गज़लों के इस्तेमाल का मौका मिला। तो एज सच उन्होंने फिल्म के लिए लिखा तो नहीं, लेकिन मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्में बनाई तो उसके लिए पुरानी दोस्ती के हवाले से उनकी बाज़ गज़लें उनके जहन में होंगी, तो उसकी रोशनी में शहरयार की बाज़ गज़लें उन्होंने इस्तेमाल की, उससे खासी शोहरत मिली उनको। तो सर शहरयार बहैसियत इंसान के भी बहुत गैरमामूली किस्म के इंसान थे, उनके रवैये बहुत ही इंसानी, बहुत ही अखलाकी और बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए बहुत प्लीजिंग हुआ करते थे। शहरयार के बारे में ज़ाती तौर पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनका आम मिजाज ये था कि अगर कोई उनके लिए दो चार कदम चलने की कोशिश करता था तो वो 100 कदम चल के उसका जवाब देने की कोशिश करते थे, और कभी भी किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते थे। एक उनकी शख्सियत की बड़ी खूबी ये थी कि वो दोस्तों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, जिसको सिफारिश करनी हो, करवानी हो, उसके लिए बेहद आउट ऑफ द वे जाया करते थे, लेकिन जब कभी किसी को नापसंद करते थे उसके ख़िलाफ़ कभी एक लफ्ज़ मैंने उनकी ज़बान से या उसकी दुश्मनी करना या उसके ख़िलाफ़ कहीं कहने की कोशिश करना ये बिल्कुल नहीं था उनके मिजाज में। या बहुत सी यादें हैं, इनफैक्ट उनको इतने टाइम में समेट पाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से, बट ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस सोफ़े पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर, स्पेशली जब अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी तो यहाँ पर बहुत वो बैठा करते थे, लेटते थे, सो जाते थे इनफैक्ट बहुत बार, एंड इनफैक्ट ही यूज़ टू लाइक द एंटायर आइडिया ऑफ बीइंग अराउंड हियर, एंड देयर आर सो मेनी बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब जैसे अगर कुछ अगर उनके बारे में, शख्सियत के बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ बातें, तो शहरयार साहब बहुत ही प्रिसाइस आदमी है, तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक हर कोई उनके बारे में कहेगा कि दैट बहुत ही कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात करते थे, और बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब ही बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा कभी भी कोई बात दिल में नहीं रखना, और एक ख़ासियत ये थी कि वक्त के ऊपर या तो कोई शेर होना या फिर कोई कहानी होना या फिर कोई चुटकुला होना, तो ये एक बहुत ही यूनिक सी एक बात थी कि हल्के से कोई भी बात अगर हो रही है उसमें वो एक जोक सुना दिया या फिर कोई शेर सुना दिया, एंड उसके बाद फिर कुछ नहीं बोलना। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी यादें। मतलब हम लोग तो मतलब एक फ्रेंड्स के तरीके से ज़्यादा हम लोग का अप्रोच था, दैट वेज कि मतलब कुछ भी उससे बात कर सकते हैं और जो भी है, और वो भी हर तरीके की बातें अपनी वो शेयर करते थे मेरे साथ में। मेरे ख्याल से उनका काफ़ी टाइम, बहुत टाइम गुजरा है, और मतलब वो शायद स्पेशली जैसे शायरी से मुतालिक वो सिंस मुझे भी मतलब मैं भी मतलब अंग्रेज़ी में मैंने बहुत लिखा है, और मतलब वैसे मुझे शायरी का बहुत दिलचस्पी रही है हमेशा से, तो करीबन पिछले 15-16 साल से जो भी कुछ भी अब्बा लिखते थे तो वो सबसे पहले मुझे सुनाते थे। काफ़ी दिनों से हम लोग एक्चुअली इसके ऊपर मतलब काम कर रहे थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि इसको हम ऐसा म्यूज़िक वीडियो कभी बनाएंगे, या फिर एक अभी फ़िलहाल एक ऑनलाइन म्यूज़िक एल्बम के फॉर्म में 5 गज़लें और नज़में आई हैं। इनफैक्ट एल्बम का नाम है पलकों को भिगोएं कैसे, जो कि बेस्ड है उनकी एक गज़ल है, नींद की ओस से पलकों को भिगोएं कैसे, जागना जिसका मुकद्दर हो वो सोए कैसे। नींद की ओस से पलकों को भिगोए कैसे, जागना जिसका मुकद्दर हो वो सोए कैसे। नींद की ओस से पलकों को भिगोए कैसे, जागना जिसका मुकद्दर हो वो सोए कैसे।
पास रेत ही है, रेत दामन में हो या दश्त में बस रेत ही है, रेत में फसले तमन्ना कोई बोए कैसे, जागना जिसका मुकद्दर हो वो सोए कैसे, नींद की ओस से पलकों को भिगोए कैसे, जागना जिसका मुकद्दर हो वो सोए कैसे। अच्छा है कोई पूछने वाला ना रहा, ये तो अच्छा है कोई पूछने वाला ना रहा, कैसे कुछ लोग मिले थे हमें खोए कैसे, जागना जिसका मुकद्दर हो वो सोए कैसे, नींद की ओस से पलकों को भिगोए कैसे, जागना जिसका मुकद्दर हो वो सोए कैसे। तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या, तमाम खल्क खुदा उस जगह रुकी क्यों है, यहां से आगे कोई रास्ता नहीं है क्या, लहू लहान सभी कर रहे हैं सूरज को, किसी को खौफ यहां रात का नहीं है क्या।